दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे Redmi Note 11 Pro Plus 5G मोबाइल फोन के बारे में। दोस्तों, इस फोन के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, इस फोन के अंदर हमको क्या क्या मिलता है साथ में, और इस फोन के अंदर क्या प्रोसेसर लगा हुआ है, कैमरा सेटअप वगैरह क्या है, इसके बारे में पूरी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव अहेड। दोस्तों, जब आप फोन को परचेस करोगे तो फोन के साथ में आपको मिलेगा एक सिम इजेक्टर टूल, एक मैनुअल, एक केस, एक मोबाइल फोन जो कि हमारा आया होगा Redmi Note 11 Pro Plus, और उसके साथ हमको मिलता है 65 वॉट का चार्जर और साथ में एक टाइप सी डाटा केबल की लीड। बात करते हैं दोस्तों इसके कैमरा सेटअप के बारे में। तो इसके अंदर कैमरे में आपको मिलता है 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, बैक में तीन कैमरे लगे हुए हैं, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा एंड थर्ड वन इज 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, और फ्रंट में दोस्तों आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। और दोस्तों, कैमरा के कुछ अलग फीचर्स भी हैं। इसके अंदर आपको मिलता है HM2 सेंसर फॉर हाई रेजोल्यूशन एंड 9:1 पिक्सल विनिंग लो लाइट परफॉर्मेंस भी आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेगी, और डुअल नेटिव ISO भी है, जिससे कि आप जो है कम लाइट में भी एक अच्छी डिटेल्ड वाली पिक्चर जो है वो कलेक्ट कर पाओगे। दोस्तों, इस फोन के अंदर 3 कलर वेरियंट्स आते हैं, एक ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लू। जो ब्लू वाला का कलर वेरिएंट है वो हमको काफ़ी प्रभावित लगा, उसका जो लुक और डिज़ाइन है वो हमको थोड़ी यूनिक लगी। बाकी ब्लैक वाला नॉर्मल ब्लैक है, पीछे में आपको जो है फिंगरप्रिंट वगैरह आपकी छपेंगी नहीं, इतनी अच्छी पीछे की प्रोटेक्शन लगी हुई है कि आपके हाथ उंगलियों के जो निशान है वो फोन पर नहीं आएंगे, मतलब ऐसे ही नॉर्मली नहीं आएंगे बस। दोस्तों, इस फोन के अंदर डुअल स्पीकर्स लगे हुए हैं, 3.5 mm ऑडियो जैक भी है, और साथ में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल रही है। ठीक है, बजट के हिसाब से 5000 mAh की बैटरी ठीक होती है, और 67 वॉट का आपको साथ में फास्ट चार्जर भी मिल रहा है विद इन अ बॉक्स, बॉक्स के साथ में ही है। डिस्प्ले की बात करें दोस्तों, तो इस फोन के साथ में आपको मिलती है 6.67 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, इसके अंदर आपको 1200 यानी कि 1200 निट्स लगे हुए मिलेंगे, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और 360 हर्ट्ज का इसका टच सैम्पलिंग रेट है, मतलब कि आपको इसके अंदर गेमिंग में डिस्प्ले के नाम पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्रोटेक्शन के नाम पे इसके अंदर आपको मिलती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, और IP रेटिंग भी है इस फोन की IP53। और इस फोन की डिस्प्ले में आपको एक मोड मिल जाता है 3.0 रीडिंग मोड, जो कि आप अगर कुछ पढ़ना हो, कोई आर्टिकल वगैरह, तो आप आराम से पढ़ पाओगे। थोड़ा सा नॉइस बाहर क्रिएट हो रहा है, लेट्स सॉल्व दैट। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में, जिसका हमको बेसब्री से इंतजार था, जिसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बताना चाहते थे। प्रोसेसर लगा हुआ है स्नैपड्रैगन का 695, जो कि 6 नैनोमीटर का है, प्लस साथ में ही आपको इस फोन के अंदर कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिलेगा। लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर इन्होंने कॉपर की फॉइल लगाकर रखी है और ग्रेफाइट की लेयर लगाई है, ताकि आपका फोन जो है वो ज्यादा हीट ना हो जब आप गेमिंग परफॉर्मेंस कर रहे हो या फिर फोन के ऊपर ज्यादा लोड डाल रहे हो तब। अब दोस्तों, प्रोसेसर के बारे में बात किया है तो उसकी तथा भी हम जान लेंगे। तो प्रोसेसर की जो तथा है वो ये है कि इसके अंदर आपका जो मैक्सिमम कैमरा रेजोल्यूशन हो सकता है, मतलब जो भी कैमरा इसके अंदर लगाकर दे रहे हैं, एक्चुअली 108 MP का जो कैमरा लगाकर दे रहे हैं आपको साथ में, पर कैमरे की तथा इतनी ही है कि वो 1K वीडियो ही शूट कर सकता है 60 FPS, 2K वीडियो तक नहीं शूट कर सकता है। ये बात आप जान लीजिए, ये बात कोई नहीं बताने वाला आपको पूरे इंटरनेट पर। और दोस्तों, प्लेबैक की बात करें तो प्लेबैक में भी इस प्रोसेसर की तथा इतनी ही है कि ये जो है 1080p वीडियो ही आपको दिखा सकता है। बाकी फोन ने अलग से जबरदस्ती में कुछ किया हो फोन के साथ में, वो हम आपको रिव्यू में बताएंगे, तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फोन के अंदर जो स्टोरेज टाइप है दोस्तों, वो है UFS 2.2, जहां का 3.0 आ चुका है, 3.1 भी चलता है, वहीं पर यहां पर जो है स्टोरेज टाइप है 2.2। एक जो चलन चला है कि रैम एक्सपेंडेबल वाली, वो आप एक्सपेंड कर सकते हो अप टू 11 GB। इसके अंदर अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, 6 GB रैम वाला, 8 GB रैम वाला, जो चाहें आप वो परचेस कर सकते हो। और दोस्तों, जो प्रोसेसर इस फोन के अंदर लगा हुआ है वही सेम प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा ओप्पो रियलमी 9 प्रो में और Xiaomi Poco X4 Pro 5G फोन के अंदर, और Redmi Note 11 Pro Plus में तो लगा ही हुआ है। तो इन तीनों सीरीज के अंदर जो है आपको यही प्रोसेसर लगा हुआ देखने को मिलेगा दोनों के। इस वीडियो के अंदर फिलहाल हम जो है कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं कि दोनों फोन्स के अंदर क्या कंपैरिजन है, प्रोसेसर लगा हुआ है, पर हाँ, इन्हीं सारे फोन्स के अंदर ये भी प्रोसेसर लग करके आ रहा है। सो ओवरऑल दोस्तों, अगर हम देखें तो इस फोन के अंदर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगी, आप गेम अच्छी तरीके से खेल सकते हो। मल्टीमीडिया के अंदर इतना ज़्यादा अच्छा फोन नहीं है, और कैमरा परफॉर्मेंस के अंदर भी फोटोज वगैरह जो है वो आपको अच्छे मिल जाएंगे, पर नॉट इन द वीडियोग्राफी के सेंस में अगर हम बात करें तो वीडियोज वगैरह भी आपको नॉर्मल फोन के तरह ही मिल जाएंगे, जो कि आपको एक 15,000 से 20,000 के रेंज में फोन के अंदर मिलता है, वही आपको इस फोन के अंदर मिल जाएगा। सो दोस्तों, फोटोज वगैरह आप इससे अच्छी क्लिक कर पाओगे। सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रिव्यू ऑफ दिस फोन। अगर आप चाहते हो कि हम रिव्यू वीडियोज बनाएं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आई हो तो। दोस्तों, अगर कोई बात छोटी सी इधर से उधर फोन के बारे में छूट रही हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो, जितनी जल्दी होगा हम आपके लिए रिप्लाई करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।